श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल तथा भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ना संयुक्त उपक्रमे आज रोज श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल परिसर में योग भवन खाते मोदी एट द रेट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी व्याख्यान कार्यक्रम योजायो हतो। सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल और भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ना संयुक्त उपक्रमे प्रकाश जावड़ेकर पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजन करायु हतु। संस्कृत भाषा भारत की दरेक भाषा की जननी है। प्रवीण प्रकाशन राजकोट टूंक समय में मोदी एट द रेट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी ग्रंथनी गुजराती भाषा में अनुवाद सहित आवृत्ति प्रकाशित करते। वर्तमान भारत सरकार जनसंपर्क और जनसंवाद थकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रचार प्रसार करो निर्विवाद अमल करो। एक समय हतो ज्यारे दुनिया भर थी अनेक विद्यार्थी अभ्यास शिक्षण अर्थे भारतनी नालंदा तक्षशिला वल्लभी जेवी विश्वविद्यालयों में आवता हता अने हाल में भारत सरकार अनेक शैक्षणिक योजनाओं अमल करी रही है। तेमणे सोड थकी इनोवेशन नी गहन चर्चा करी अने उदाहरणों आप्या छे। वधुमां जणावेल के भारतना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी सतत रात्रे 12 वाग्या सुधी विविध 16 इनोवेशन स्टार्टअप विषयना स्टेकहोल्डर साथे चर्चा विचारणा करी तेनी अमलवारी करावी रह्या छे। आ तमाम बाबतोनो समावेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में करवामां आव्यो छे। डिजीलॉकरना हाल में 10 करोड़ थी वधु यूजर्स छे अने तेमां 500 करोड़ थी वधु दस्तावेजोनो डिजिटल रूपे संग्रह आ एप में थयेलो छे। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटीना कार्यकारिणी कुलपति डॉक्टर ललित कुमार पटेल भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटीना कार्यकारी कुलपति चेतनभाई त्रिवेदी पालिका प्रमुख पीयूष भाई फोफंडी प्रदेश भाजपना मंत्री झवेरभाई ठकरार जिला भाजप प्रमुख मानसिंह परमार सहित उपस्थित रहा था। महेंद्र टाक आपणो गुजरात गीर सोमनाथ। माननीय 21 विद्वानों ने और विशेषज्ञों ने मोदी जी के 20 साल के सुशासन की बारे में लेख लिखे हैं। इस किताब का नाम है मोदी एट 20। लोकतांत्रिक तरीके से लगातार लोगों का विश्वास जीत के अखंड तरीके से 20 साल पूरे करने वाले लोकतांत्रिक दुनिया में ये एक ही नेता है। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और अब 8.25 साल देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो सुशासन उन्होंने दिया, क्यों ऐसा विश्वास मिला लोगों का, इसका रहस्य अगर किसी को समझना है तो इस किताब का पढ़कर जरूर कोई भी समझेगा। मैंने आज राजकोट, सोमनाथ और कल गांधीनगर और अहमदाबाद ऐसी 4 सभाएं करूंगा। 3 विश्वविद्यालयों में है और 1 भारतीय जनता पार्टी की है, तो यही कार्यक्रम है और संदेश तो मैंने बाकी भाषण में आपके तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहां भी आपका अकाउंट है इसे शेयर बटन के द्वारा वहां पर शेयर करें।